ऐसे दो दो इंच का कपड़ा लगाने से ये संस्कृति, मतलब देश की संस्कृति क्या कह रही है, क्या मतलब ये क्या संदेश देना चाहती है? मेरी बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, मेरी बच्ची बड़ी होकर जज बनेगी, बनती क्या है वो, पापा की परी, इतने से कपड़े लगाकर। सबसे ज्यादा बॉलीवुड वालों ने इतनी गंदगी, गटर, मैं तो कहती हूँ ये गंदगी का गटर है बॉलीवुड। अगर सड़क पर नग्न लड़कियां घूमेंगी तो आदमी वीडियो बनाएंगे, आदमी हंसेंगे भी, आदमी देखेंगे भी, कोई मेरे बच्चों के ऊपर इस बात के लिए कह नहीं सकता। नंगी होकर लड़कियां घूमे, सोच बोलो ठीक है, फिर मेरे बच्चे फ्रेंची पहन के लड़के घूमे, और छोटी बच्चियां मेरी देख देख कर उनको लगता है अगर ये बिकनी पहन सकती है मैं क्यों नहीं पहन सकती। हर 15 दिन के बाद एक दिन मेट्रो में मैं जाऊंगी, जहां मेट्रो में किसी भी लड़के लड़की ने कोई बदतमीजी की, अगर चांटे ना बजाऊं तो मेरा नाम आस्था माने। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आप आस्था मात को देख सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आजकल लगातार सुर्खियों में दिल्ली मेट्रो बना हुआ है, जब से लॉन्च हुई है दिल्ली मेट्रो तब से ही सुर्खियों में है। हालांकि अभी कुछ ऐसे चित्र देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी होश उड़ाने वाले हैं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। साल 1990 में भारत देश वैश्वीकरण की ओर गया था और विदेशी चीज़ें जो थी वो भारत में आती रही है। बर्गर, पिज्जा, कपड़े, हर एक चीज़ में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और आजकल दिल्ली मेट्रो में कुछ ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें आ रही है जो कि एक भारतीय संस्कृति के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये भारतीय संस्कृति के लिए सही है, देश आगे बढ़ रहा है, विचारधारा आगे बढ़ रही है, और कुछ लोग इसका बिल्कुल कट्टर जो है इसके हित में नहीं बोल रहे। अभी मेरे साथ आस्थमा है, चर्चा का विषय दिल्ली मेट्रो गर्ल ही है। आस्थमा, आप किस प्रकार से देखते हैं कि एक लड़की जो छाती पे एक 2 इंच की कपड़ा और नीचे 2 इंच का कपड़ा लगा के जो दिल्ली मेट्रो में इस प्रकार से रोज के रोज वो ये जो यात्रा कर रही है, ये क्या भारतीय संस्कृति के अनुरूप है या नहीं है? देखिए, एक शब्द आपने बोला था कि भारतीय संस्कृति बढ़ रही है जी। है ना, तो नग्न रहने से भारतीय संस्कृति नहीं बढ़ती, नंगे घूमने से नहीं बढ़ती, विचारों से बढ़ती है, अच्छे काम से बढ़ती है। वो भी लड़की है ना जो देश के लिए इतने बड़े बड़े मेडल लेकर आती हैं, वो भी बच्चियां ना जो आज फोर्स में खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े लीडर बन के आती हैं, बड़े बड़े अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। ऐसे दो दो इंच का कपड़ा लगाने से ये संस्कृति, मतलब देश की संस्कृति क्या कह रही है, क्या मतलब ये क्या संदेश देना चाहती है? और मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, जो मीडिया वाले उसको हंस हंस के पूछ रहे थे, एक बार बता दें क्या वो अपनी बहन बेटी को इसकी जगह पर देखना पसंद करेंगे? हम काम तो वही करते हैं ना जो हमें पसंद हो, तो क्या वो पसंद करेंगे जो इसको कह रहे हैं और वो बोल रही है आप कौन होते हो मेरे बारे में कहने वाले? ऐसी बच्चियां जो पापा की परी होती हैं ना, कल को किसी हादसे का शिकार हो जाती हैं, फिर वो पापा की परी फिर रोती रहती है, फिर वही सिस्टम होता है कि जेल थाना ये। तो मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से बच्चियों को कि अपने माँ बाप की इज्जत को संभाल के रखो, क्योंकि माँ बाप जब बच्चा पैदा होता ना तो माँ बाप बड़े अरमानों से कभी कंधों पे बिठाना, कभी कंधे पे बिठाना, कभी पेट पे लिटाना, और हमेशा बोलते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी होके IAS ऑफिसर बनेगी, मेरी बच्ची बड़ी होके डॉक्टर बनेगी, मेरी बच्ची बड़ी होके जज बनेगी, बनती क्या है वो, पापा की परी, इतने से कपड़े लगाकर। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है बॉलीवुड के गानों में, लगातार बिकनी शूट में लड़कियां दिखी है, सोशल मीडिया पे ऐसी बिकनी में फोटोज अपलोड होती रहती है। इससे पहले और अगर देखा जाए तो उर्फी जावेद, रोज का काम है उनका, तो इसमें गलत क्या है? कहाँ दिखता है वो आपको? मेट्रो में दिखती है, दिल्ली मेट्रो में दिखी है, बॉम्बे में ना, बॉलीवुड में ना। सबसे पहले तो बेड़ा गर्क जो हुआ है बहिष्कार करना चाहिए बॉलीवुड का। एयरपोर्ट पे स्पॉट होती है उर्फी जावेद। सुनो मेरी बात, सबसे ज्यादा बॉलीवुड वालों ने इतनी गंदगी, गटर, मैं तो कहती हूँ ये गंदगी का गटर है बॉलीवुड, बिल्कुल इसकी इनको बंद कर देना चाहिए। सारी गंदगी यहाँ से पनपती है और छोटी बच्चियां मेरी देख देख कर उनको लगता है अगर ये बिकनी पहन सकती है मैं क्यों नहीं पहन सकती, है ना। तो वो चीज़ आज देख लो, विदेश के लोग जो महिलाएं थी, जो आजकल आप देखते हो लाखों महिलाएं जो भारत में आकर
सूट साड़ी, मतलब एक मूर्त लगती है सुंदरता की, जो कि हरे राम हरे कृष्णा के उसमें आज लड़की, उन्होंने कल्चर बदल लिया, इधर आ गई और ये उनका कल्चर अपना रही है, ये कैसी, मैं पूछना चाहती हूँ उन माँ बाप को कि उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती जिनकी बच्चियाँ ये काम करती है। तो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है ना। हाँ, तो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को अपना कर हिंदुस्तान में आ गई है, तो ये यहाँ से चली जाए वहाँ पर जाके ये संस्कृति थी, चली जाए वहाँ पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं, हर 15 दिन के बाद एक दिन मेट्रो में मैं जाऊंगी, जहां मेट्रो में किसी भी लड़के लड़की ने कोई बदतमीजी की, अगर चांटे ना बजाऊं तो मेरा नाम आस्था माँ नहीं। तो मतलब आप कानून को अपने हाथों में, कानून का क्या मतलब है, क्यों मेट्रो में और लोग नहीं होते, मेट्रो में और लोग नहीं होते, मेट्रो में इज्जतदार लोग नहीं होते, मेट्रो में भाई में देखा जा रहा है कि लोग उसके सामने लड़का लड़कियां बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वीडियो बना, क्या करें, यदि उनको समस्या होती तो वो खुद ही आवाज उठा। गलत, कोई आज कोई भी आग जलती आग में हाथ नहीं देना चाहता, आगे से उनकी बेइज्जती कर देती है वीडियो, फिर वो कह रही है कि वीडियो क्यों बना रहे, बिल्कुल अगर सड़क पर नगन लड़कियां घूमेंगी तो आदमी वीडियो बनाएंगे, आदमी हंसेंगे भी, आदमी देखेंगे भी, कोई मेरे बच्चों के ऊपर इस बात के लिए कह नहीं सकता, जब तुम नगन हो सकती हो तो कपड़े वाला वीडियो क्यों नहीं बना सकता। सोच बदलो, नंगी होकर लड़कियां घूमे, सोच बदलो, ठीक है फिर मेरे बच्चे फ्रेंची पहन के लड़के घूमे, अगर लड़कों को किसी ने कुछ कहा तो फिर अपना हिसाब लगा ले। मेट्रो में एक लड़का नहाने लगा था, तो उसके बाद आपने देखा, उसके बाद देखा उसके ऊपर कार्रवाई हुई, आपको पता है उसके बाद उसकी कार्रवाई हुई, आपको पता है, सुप्रत बन चुका है वो। अरे भैया मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ नहीं बन चुका है, ऐसे लोगों की ठुकाई होती है बाद में, ऐसे लोगों का कुछ नहीं बन पाता।